अगर आप भी चाहते हैं सितारा म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले सुनने या देखने के लिए, तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। के वीडियो इंटरनेट पर बेहद पसंद किए जाते हैं, आए दिन उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों ये सुपरस्टार काफी दुखी नजर आ रहे हैं और उनका दर्द छलका है फेसबुक लाइव पर। दरअसल शनिवार को खेसारी लाल का स्टेज शो बिहार के वैशाली में आयोजित किया गया था, जहां भारी हंगामा हुआ। स्टेज शो के दौरान जमकर कुर्सियां चली, नौबत यह आ गई खेसारी लाल को अपनी जान बचाकर बीच कार्यक्रम से भागना पड़ गया। खेसारी लाल फेसबुक लाइव के दौरान इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने ये कहा कि भोजपुरी फिल्मों में वो अश्लीलता के खिलाफ हैं, जिस वजह से उनकी जान को खतरा है। खेसारी लाल ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। साली जिला में एक शो करने गया था और वहां पे बहुत ज्यादा पथराव मेरे ऊपर हुआ और ये मेरे बड़े भाई सुधीर सिंह जी आज पोस्ट किए हैं कि मैंने अश्लीलता के खिलाफ आगाज कर दिया। मैं आपके अश्लीलता के विरोध में नहीं हूं, मैं भी समर्थन में हूं कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर मुझे मारना ही है तो भाई आप बुला लीजिए मुझे और मुझे अपने बीच में मार दीजिए ना। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सिंह का इस मामले में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। खेसारी समाज को बांटना चाहते हैं। खेसारी के मन में हो गया है कि राजपूत जादू हमेशा कर रहे हैं। मैं राजद में हूं, हम तो जादू के अपने नेता हैं। ये तो बिल्कुल गलत आरोप है मुझ पर और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब खेसारी लाल जादव के पीछे कोई है। तो देखिए सफाई भी आ गई है, यानी खेसारी लाल यादव की तरफ से एक तरफ आरोप लगाया गया, दूसरी तरफ सफाई आई है कि खेसारी लाल यादव ये सब सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं, उनके पीछे किसी का हाथ है और इसी वजह से ये काम किया जा रहा है।